इस दुनिया में दो तरीके की लोग मिलते हैं। उनमें से एक तरीके की लोग बस अपने जीवन में लेने के बारे में सोचती है। वो सोचती है कि मुझे क्या क्या मिलेगा। और दूसरे तरह के लोग बस यही सोचती है, मैं किसको क्या दूंगा। असल में किसी को देने से कभी भी कुछ कम नहीं होता है। जो लोग बस सब कुछ लेने के बारे में सोचती है, ये कहानी बस उनके लिए है। बहुत पहले एक गांव में दो किसान रहते थे। वो दोनों अच्छे दोस्त थे पर बहुत ही ज्यादा गरीब थे। पर उनमें से एक किसान अपने जिंदगी से बिल्कुल ही खुश नहीं था। वो हर पल बस रोता रहता था और हर चीज के लिए ईश्वर से बस शिकायत करता रहता था। वो कहता था, हे भगवान, आपने मुझे कैसी जिंदगी दी। हर वक्त वो अपने किस्मत को कोसता रहता था। पर जो दूसरा किसान था वो बहुत ज्यादा खुश रहता था। उसके जीवन में चाहे जैसा भी मुश्किलें हो, वो हर वक्त ईश्वर से अपने जीवन के लिए शुक्रिया अदा करता था। दोनों किसान के मौत के बाद दोनों ही ईश्वर के पास पहुंचे। तब भगवान ने दोनों से पूछा कि बोलो बेटा, क्या चाहते हो। वो दुखी किसान ने कहा, भगवान, आपने मुझे ये कैसी जिंदगी दी थी। ये भी कोई जिंदगी था। जब भी पैसा आता था, किसी न किसी चीज पर वो खर्च हो जाता था। मुझे आप ऐसी जिंदगी दीजिए कि मुझे कुछ भी किसी को देना ना पड़े। मैं बस लोगों से लेता रहूं और मुझे बस मिलता ही रहे। तब ईश्वर ने कहा, अच्छा ठीक है, तेरी सारी दुआ मंजूर है, तू अब जा सकता है। तब दूसरा किसान आया। जब भगवान ने उससे पूछा कि तुम क्या चाहते हो, तब उस किसान ने बोला, भगवान, आपने मुझे इतनी अच्छी जिंदगी दी थी, मैं आपसे भला और क्या मांग सकता हूँ। इतना अच्छा परिवार दिया था, अच्छा काम दिया था, अच्छा गांव दिया था, खाने पीने का भी कोई कमी नहीं हुई, कभी भी मैं भूखा नहीं सोया। मेरी जिंदगी में बस एक ही कमी रह गई थी, मेरे दरवाजे में कहीं भूखे लोग आते थे जिन्हें मैं पेट भरकर खाना नहीं खिला सका। आप बस ऐसा कुछ कर दीजिए कि मेरे दरवाजे पर आकर कोई खाली पेट ना जा सके, मैं बस पूरे जीवन भर देता ही रहूं। तब भगवान ने कहा, अच्छा ठीक है, तेरी सारी दुआ मैंने मंजूर किया। इसके बाद उन दोनों की फिर से उसी गांव में जन्म हुआ था। जब दोनों बड़े हुए तो फिर जो बस लेने के बारे में सोच रहा था वो उस गांव का सबसे बड़ा भिखारी बना था। पर जो बस देने के बारे में सोचता था वो उस गांव का सबसे अमीर आदमी बना था। और वो पूरे जीवन भर सबको बस देता चला गया। दोस्तों, आप भी लोगों से लेने से ज्यादा देने के बारे में सोचिए। देने से कभी कम नहीं होता। आज आप जितना दोगे आपको उससे कई गुना ज्यादा कुछ मिल जाएगा। वो चाहे रोटी हो, पैसा हो या फिर ज्ञान हो, जितना आप आज दोगे आपको उससे कई गुना ज्यादा कुछ मिलेगा। दोस्तों, हमारे सारे वीडियोस आप लोगों को कैसा लगता है कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलना। और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर लेना। और उसके साथ साथ हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी प्रेस करके रखना, ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे।